अगर आपको अभी सिक्योरिटी कोड की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको नहीं पता कि सिक्योरिटी कोड कहाँ से लेना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जो प्रॉब्लम आपको आती है इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आपको बता दूंगा दो तरीके से किस तरह आप लोग ठीक है सिक्योरिटी कोड ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आप आते हैं, ठीक है, इंतज़ार करते रहते हैं कि कब आएगा कोड, कैसे आएगा, ठीक है, कहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने सिक्योरिटी कोड देना होता है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो आपने ये सिक्योरिटी कोड लेना होता है, ठीक है, और ये किस तरह लेना है यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आती काफ़ी सारे लोगों को। तो अब करना क्या होगा दोस्तों, अब ये है कि आपने इसको बैक यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है, और आ जाना है जीमेल के ऊपर। ठीक है, तो इसको जीमेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास गूगल, ठीक है, गूगल अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे सेटिंग में। ठीक है, तो या फिर आप सेटिंग में, अकाउंट सेटिंग में भी जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक होम है, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा प्राइवेसी है, ठीक है, तो इस तरह, तो आपने इस तरह कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर देखें सिक्योरिटी लिखा हुआ है, ठीक है, तो सिक्योरिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास, ठीक है, एक टू सेट ऑफ वेरीफिकेशन है, ठीक है, पासवर्ड है, ठीक है, ये है। तो आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर करना क्या है, आपने यहाँ पर देखें ये है ऐप पासवर्ड है, ठीक है, और ये है सिक्योरिटी कोड, ठीक है। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मुझसे ये मेरा फिंगरप्रिंट मांगा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें मैं ऐसे फिंगरप्रिंट देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ देखें ये कोड आ चुका है, ठीक है, सिक्योरिटी कोड, तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो है कोड, ठीक है, इसको कॉपी करके आप उधर, कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है, आपने इसको लिख रहे हैं, अगर आप इसको बैक करेंगे दोबारा से आएंगे, ठीक है, नया कोड आ जाता है, ठीक है, ये 15 मिनट बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने लिख लेना है, या तो लिख के, या फिर क्या करना है, इसको अपने यहाँ से इधर से देख के, ठीक है, आपने वहाँ पर लगा देना है, ठीक है, आपकी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। अब दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका दोस्तों ये है प्ले स्टोर वाला, ठीक है, प्ले स्टोर पे आएंगे और प्ले स्टोर पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरह आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली जा सकते हैं, ठीक है, जैसे गूगल अकाउंट पे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें आ चुके हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी पे आना है, सिक्योरिटी पे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कोड, तो यहाँ से आप आएंगे और इस तरह करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर, ठीक है, अपना कोड ये ले सकते हैं दोस्तों। तो आपकी ये प्रॉब्लम यहाँ से ठीक हो जाएगी, ठीक है, आपको जो का सिक्योरिटी कोड है वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी साथ सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।